हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। यहाँ पे आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो लैपटॉप और टेबलेट आपको मिलने वाले हैं वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से लिस्ट बनेगी, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा और आपको किस प्रकार से टेबलेट और लैपटॉप प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम इस वीडियो में आपको ये सारी बातें बताएँगे। उससे पहले एक न्यूज़पेपर लेते हैं, उसमें आपको सारी प्रोसेस बताते हैं कि क्या क्या उसमें प्रोसेस रहने वाली है। ये फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी फ्री टेबलेट योजना आवेदन। ये कब प्रकाशित हुई थी? 16 अक्टूबर 2021 को। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा यूपी फ्री टेबलेट स्कीम 2021-22 की घोषणा की गई है। इस योजना में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए मुफ्त टैब प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश फ्री टेबलेट योजना 2021 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया up.gov.in पर शुरू की जा सकती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये चालू नहीं हुई है। इस योगी मुफ्त टैब योजना में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में प्री लोडेड सामग्री के साथ टेबलेट मुहैया कराया जाएगा। मतलब क्या होगा, ये प्री लोडेड होगा, जिसमें क्या होगा, स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे इसमें दे रखा है, राज्य सरकार COVID-19 महामारी के बीच सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त एंड्रॉयड टेबलेट प्रदान करने की योजना बना रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो भी है, मोनिका एस गर्ग ने कहा है, सरकारी कॉलेज में COVID-19 लॉकडाउन के कारण अब ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन आकाशात्मक जिलों में छात्र जो स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य ई लर्निंग सामग्री से लैस नहीं है, उनके लिए यह योजना बड़ी आवश्यकता है। यूपी योगी फ्री टैब्स स्कीम 21-22 के तहत ई टेबलेट को कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा जाएगा और किताबों की तरह छात्रों को जारी की जाएगी। अब यहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे योजना का नाम मुफ्त टैबलेट वितरण योजना 2021, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, इसने शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएँ, आधिकारिक वेबसाइट जो है up.gov.in, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड टेबलेट, प्री लोडेड कंटेंट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन वीडियो, डिजिटल बुक्स। उद्देश्य क्या है, ऑनलाइन शिक्षा स्तर, ऑनलाइन अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट वो भी अभी नहीं पता है, आवेदन मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन, पंजीकरण साल कब होगा 2021। यूपी मुफ्त टेबलेट योजना के तहत 1 करोड़ छात्रों को मिलेंगे टेबलेट और स्मार्टफोन। मतलब क्या है कि 1 करोड़ लोगों को ये टेबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव वाले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 1 करोड़ छात्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं सरकार के, अब इसमें सारी चीज़ें वही अनुपूरक बताया गया है, टेबलेट जैम पोर्टल के जरिए ही खरीदे जाएंगे, कहाँ से खरीदे जाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यूपी फ्री टेबलेट प्री लोडेड कंटेंट के साथ मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या जरूरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करें दस्तावेज की, तो वो है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। योगी फ्री टेबलेट योजना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन केवल सरकारी स्कूल का छात्र ही कर सकता है। आवेदक की वार्षिक आयु 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपनी पिछली सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए है। यहाँ से भी जो upcmo.up.nic.in, यहाँ पे भी ये मैनुअल दे रखा है कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही आपका आवेदन होगा लैपटॉप और टेबलेट के लिए या स्मार्टफोन के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे टेबलेट और लैपटॉप की जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्ट्रिक्ट से ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट पे ही ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। आगे हम दिखाते हैं आपको कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2020 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों की संख्या, वर्ष 2021 में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की अनुमानित संख्या, डिग्री कोर्स जो है 21 में तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा के अंतर्गत इतने स्टूडेंट
2021 में कौशल प्रशिक्षण के तहत इतने विगत 3 वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या ITI, उसके बाद 2021 में चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसे डेंटल MBBS इनके लिए ये सब टोटल है। यहाँ पे पैरामेडिकल नर्सिंग के छात्रों की संख्या यहाँ पे जो टोटल आया है वो 68,30,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होना सुनिश्चित हुआ है। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं 68,00,000। इसमें क्या है, जो भी है अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार प्रशिक्षण पिछड़ा वर्ग या प्रशिक्षण योजना एवं जनपद के उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे टोटल दे रखी है, मतलब 1 करोड़ में से इतने लोगों को लैपटॉप स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाली है। तो अभी तक जो है वो ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो दे रखा है upcmo.nic.in, लेकिन अभी उस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे कोई अपडेट आएगी ऑनलाइन के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।